शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यार, मिस्टर करण, मेरे पास सपना की बेगुनाही के पक्के सबूत हैं, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कौन है आप? ये जानने के लिए आप अकेले कुरला कंटेनर यार्ड में पहुँच जाइए, वहाँ मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कौन है तू? किसने भेजा तुझे यहां? बोल। बताता हूं, मैं जोरा, मालिक ने मुझे भेजा है। कौन मालिक? उसकी शक्ल नहीं देखी कभी, वो सिर्फ टेलीफोन पर ही सुपारी देता है। आज उसने तुम्हें यहां और सपना को जेल में खलास करने की सुपारी दी थी, तुम तो बच गए, पर वो नहीं बचेगी। समझा दूंगा, पहले मुझे इनसे पीछा छोड़वाने दो। सपना, लिसन टू मी, प्लीज मुझ पर विश्वास करो।
चलो भालू को, भालू को। कौन कब कब उनसे बचने के लिए हमें यहीं कहीं छुपना पड़ेगा। करण, करण छोड़ दो मुझे। भरोसा करो सपना। करण प्लीज छोड़ दो मुझे। तो जाओ, जो करना चाहती करो, पर मेरी भी एक बात सुन लो सपना। तुम मुकेश अग्रवाल की कातिल नहीं हो। कितनी बार कहूं, मैं ही मुकेश अग्रवाल की कातिल हूं और बड़ी से बड़ी अदालत में कुबल भी कर चुकी हूं। कितनी बार कहूं? देखो देखो, मैं जान चुका हूं कि तुम मुकेश अग्रवाल की कातिल नहीं हो और मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर सकता हूं। बस अब और किसी फरेब की जरूरत नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। सपना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, करता था और करता रहूंगा। I mean it. सपना, मैंने जो किया था वो मेरा फर्ज था और फर्ज कानून के सहारे चलता है। मैं मानता हूं कि कानून कभी कभी सच्चाई को नहीं देख पाता। जरा सोचो, जब से तुम्हारी मैंने फाइल रीओपन की है तब से कोई तुम्हारे और मेरे पीछे मौत बनकर घूम रहा है, जिसका सबूत है तुम पर जेल में और मुझ पर कंटेनर यार्ड में जानलेवा हमला। मेरे लिए बस इतना ही काफी कि तुम बेगुनाह हो, कातिल कोई और है सपना। अगर अब भी तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना समझ लो, अगर मैं तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सपना, असली कातिल को पकड़ने में तुम मेरी मदद करोगी? एक्सक्यूज मी, फिटिंग रूम का है? इसे सर। थैंक यू। तुम लोग उधर जाओ, तुम लोग उधर। तमाम न्यूज़पेपर्स और डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को जवाब देते देते मैं थक गया हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। करण को अगर मैंने बेटे की तरह समझा है तो आपने भी कभी उसे बेटे से कम नहीं समझा। यही तो दुख है सर, रिश्ते विश्वास दोनों को धोखा दे गया वो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की की खातिर करण ऐसा भी कर सकता है। मेरी दी हुई शिक्षा आज व्यर्थ हो गई। अगर दो दिन के अंदर करण अरेस्ट नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन शूटेड साइट के ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। आप अपना कर्म कीजिए, कानून अपनी जगह है, जज्बात अपनी जगह। सोचता था कि कोई है जो मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि देगा, लेकिन आज करण ने वो अधिकार गवा दिया। कोई नहीं सर, यहां पर भी कोई नहीं है। चलो, करण। आखिर कब तक तुम इस तरह मेरे साथ भागते रहोगे? कहां तक भागोगे? जहां जमीन और आसमान मिलते हैं वहां तक। जहां जमीन और आसमान मिलते हैं वो मिलन नहीं, नजरों का एक धोखा है। इसी तरह इस जन्म में तुम्हारा और मेरा मिलन भी एक धोखा है, एक ख्वाब है करण। प्लीज मेरी बात सुनो,
मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो करण। कैसे छोड़ दो सपना, क्योंकि तुम्हें इस हाल में लाने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूं। मेरी मंजिल मौत है करण, और मैं उस मौत को जिंदगी में बदलने की कसम खा चुका हूं सपना। आई लव यू करण, आई लव यू। आई एम हेल्पलेस। करण और सपना जहां भी दिखें उन्हें गोली मार दी जाए। चारों तरफ नाकाबंदी है, बस ये एक समुंदर का रास्ता है जो हमें लेक तक पहुंचा सकता है। क्या भाड़े के हम लोग? कैसे भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है, इन लोग निकल गए, चलो।